एक नई मॉर्निंग के साथ, एक नए दिन के साथ, फ्रेश मॉर्निंग के साथ आपके सामने मौजूद है। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ सादिया खास और मैं हूँ सबाशी, और आज हम बात करेंगे जो हमारे प्रोग्राम की भी थीम है, एंटीक मेटल आर्ट के हवाले से। एंटीक मेटल आर्ट के हवाले से हम आपको प्रोग्राम में बहुत कुछ बताएंगे। अभी बताते चलें कि आज मंगल है, 4 जुलाई है, हम आपके लिए लाएंगे कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें। जी हाँ, ढेर सारी मुस्कुराहटों के साथ शो का आगाज तो हम करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि थीम्स भी ऐसी लेकर आए जो कि आपको बेनतहा पसंद आए। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे ईद के टाइम की और ईद की चीजों के हवाले से, कभी हम बात कर रहे थे नेल आर्ट पे, कभी हम साड़ियों पे बात कर रहे थे। तो आज हमने सोचा कि हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारी एंशियंट थिंग्स हैं, हमारी जो एंटीक थिंग्स हैं, इनका जो सिलसिला है, इनका जो क्रेज है, लोगों में खत्म होता जा रहा है। अगर बात करें 18th सेंचुरी की और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड जाए, तो इसके बैकग्राउंड में जब 18th सेंचुरी से लेकर अब तक कुछ अरसे तक एंटीक चीजों का बड़ा दौर था, और लोग अपने ड्राइंग रूम में, लोग अपने घरों में ये तमाम चीजें बड़े शौक से रखते थे। एंशियंट आर्ट की बात की जाए सादिया, तो डेफिनेटली इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 100 साल कदीम चीजें होती हैं या बहुत ज्यादा पुरानी चीजें होती हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा शौक से रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम चीजों को लोग शौक से क्यों रखते हैं। तो डेफिनेटली ये चीजें हमारा विरसा होती हैं, इन चीजों से हमें पता लगता है, इन चीजों से प्रीवियस इरा के बारे में पता लगता है कि इस जदीद दौर में और आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले या कई साल पहले लोग किस तरीके के थे, और हम इन तमाम चीज़ों को अपने असासे के तौर पे रखते हैं, चाहे हमारा मुगलिया दौर हो या हमारा कोई भी इरा गुजरा हो। ये तमाम चीज़ें हमारा असासा होती हैं, जिनमें कभी कभी लोग पुरानी पुरानी कार्स को भी रखते हैं, पुराने पुरानी चीज़ों को भी रखते हैं, वाज को रखते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें खास तौर से बर्तन शामिल हैं, खास तौर से ड्राइंग रूम के सोफे, या जिस तरीके से भी पुरानी पुरानी चूड़ियाँ होती थी या बहुत ज़्यादा सीनरियाँ होती थी जिनको हम अपने असासे के तौर पे रखते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं गुड मॉर्निंग आज में हमारी थीम के हवाले से, एंशियंट आर्ट के हवाले से, एंटीक चीज़ों के हवाले से। जी सादिया, इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे एंटीक क्राफ्ट के शौकीन और ओवरसीज पाकिस्तानी दिल अब्बास। जब भी मैं पाकिस्तान विजिट करता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे फ्रेंड्स के या मेरे जो सर्कल है, इवन मेरा जो घर है उसमें भी कुछ ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट मैंने रखे हुए हैं। तो दे आर लाइक व्हेन दे केम एंड दे विल आस्क मी के कैन बाय दिस और बाय दैट। सो वन थिंग तो ये होता है कि गिफ्ट देने के लिए, एंड सेकेंड थिंग ये होता है कि हम अपने घर में भी कुछ चीज़ ऐसे ही कोई डेकोरेट कर सकते हैं और मिलवाएंगे आपको पीतल आइटम मेकर शजील अली खान और मोहम्मद इदरीस से, जो कम उजरत होने के बावजूद अपने फन को नापैद होने से बचा रहे हैं। मुरादाबादियों का काम है ये, और ये इंडिया के दौर से चला आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर हमने मुरादाबादियों से ही काम सीखा है। इस काम की वैल्यू पाकिस्तान में बनता तो है ही है, लेकिन वैल्यू इसकी पाकिस्तान से हटके हर मुल्क के अंदर। पहले काम बहुत अच्छा था, अब आकर काम बहुत डाउन हो गया है, और हम लोगों की उजरत है, हम तो उजरत पे काम करते हैं सिर्फ। मार्केट है पीछे पीछल गली, वहाँ पर दुकानें हैं, इनकी शॉप्स हैं, वो लोग हमसे बनवाते हैं, उजरत देते हैं हमें, इसकी उजरत बहुत कम है हमारे लिए। और मिलेंगे एंटी क्राफ्ट शॉपकीपर मोहम्मद जमील से। मैं 30 ईयर्स से इस फील्ड के अंदर हूँ। एंटीक चीज़ें ये मेरा शॉप्स हैं, और ये है कि ये चीज़ें, एंटीक चीज़ें जो है ना, ये फॉरनर वगैरह ये पाकिस्तानी कल्चर में इस तरह की बहुत चीज़ें पसंद करते हैं। सारा हैंडीक्राफ्ट है, हैंडमेड का काम है, हाथ का काम है। ये बाहर फॉरनर वगैरह इनकी मेकिंग वगैरह बड़ा पसंद करते हैं ये चीज़ें, और ये हैरान रह जाते हैं कि इतना बारीक काम हैंडमेड से कैसे करते हैं ये चीज़ें वगैरह। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबार आपकी शह सुर्खियाँ क्या कह रही हैं। जी जनाब, क्या है सादिया आज डॉन में? मेरे पास जॉन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जॉन मैकेन आए हुए थे और उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें की हैं और काफी अहम मुलाकातें रही हैं। सेनेटर्स का एक ट्रिप भी जो कि सरहदी इलाकों पर भी गया, वहां का भी जायजा लिया गया। तो इस मौके पर जॉन मैकेन ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन उसी वक्त हो सकता है जब पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद की जानिब से भी कोशिशें की जाएं और यहाँ से भी तआवुन किया जाए। लिहाजा कोशिशें तो यहाँ से जारी है, जिस तरीके से पूरी मीटिंग के दरमियान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से भी इस बात का कई बार उनको याद दिलाई
याद दहानी कराई गई है कि इससे पहले भी पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जाती रही हैं, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि ओवरऑल खत्ते में जहां जहां भी इस तरह के मामला चल रहे हैं कि अमन नहीं है वहां पर भी अमन कायम करने की कोशिश की जाती है। लिहाजा अफगानिस्तान में भी अमन के क्याम के लिए पाकिस्तान अपने तौर पर पूरी तरीके से तआवुन जारी रखे हुए है। इसके अलावा हम बात करेंगे जेआईटी की, जो कि हॉट स्टोरी है। जेआईटी में डार्क क्वेश्चंस, जेआईटी मोड्स, अगर हम आपको जेआईटी के गुज़श्ता रोज़ की पेशी के हवाले से बताएं तो उसमें ये चीज़ क्लियर थी कि इसहाक डार कल आने वाले थे, इसके अलावा हसन शहजान ने, हसन नवाज शरीफ ने आना था, वहाँ पर उनकी जानिब से भी मुलाकातें हुई हैं बाहर निकल के बाद मीडिया से, और उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरीके से हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमारे बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो एक और हसन ने जो इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने कहा 85 साल हमारी दादी हैं, उनको भी बुला लिया जाए अगर जेआईटी को पूछताछ करनी है। तो इस तरह से गुस्से का इजहार किया गया है, और डार की जानिब से भी, इसहाक डार की जानिब से भी कुछ इस तरह से बातें की गई कि अगर हम पर इल्ज़ाम लगाने ही हैं और आप लोगों को इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर बाइक भी चोरी हो जाती है तो उसका भी इल्जाम हम पर लगा सकते हैं और उसके लिए भी हमसे जीआईटी में बुला के सवालात किए जा सकते हैं। तो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है ये वाली पार्टी कि अगर इन लोगों को पेशी के लिए बुलाया जा रहा है। अब हमने देखना यह है कि 5 तारीख कल है, मरियम नवाज की भी पेशी है और मरियम नवाज को भी पेश होना है जीआईटी के सामने, और उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनती है, क्या सूरत हाल रहती है, ये भी वक्त ही बताएगा। चले जी, जीआईटी बिल्कुल अपने एक अहम मरहले में दाखिल हो गई है और लेट्स सी कि क्या होता है और क्या रिपोर्ट पेश करती है जीआईटी सुप्रीम कोर्ट को। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और डेफिनेटली मेन लीड्स का जिक्र करते हैं। और अमा गोजरदारी गो के नारे, बिल कसरत राय से मंजूर, तारीखी कारनामा है, काबिल एतराज बातें दिल पर नक्श हो गई, एक माह के अंदर सूबाई सतह पर एहतसाब का कानून लाएंगे, करप्शन खत्म करके दिखाएंगे, ऐसा कहते हैं वजीर आला सिंध। जबकि एक और जो है खबर है जिसको यहाँ पर हिस्सा दिया गया है मेन लीड का, वो है विफाक ने नए ऑर्डिनेंस से मुतालिक सिंध असेंबली का बिल मुस्तरद कर दिया है और खासी बहस हुई है इस बिल के ऊपर। जी, इसके बाद हमारे पास मौजूद है वही इसहाक डार की बात करूंगी। साजिश हो रही है, मकसद हुसैन या हसन मरियम को नहीं, नवाज शरीफ पर दबाव डालना है, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुशर्रफ दौर में लिया गया बयान मैंने नहीं लिखा था, इसे रद्दी करार दिया जा चुका है, मरियम को बुलाना बुरा लगा, इमरान की बहनें उज़्मा और अलीमा को भी अगर बुलाया जाएगा तो हमें बुरा लगेगा, सुप्रीम कोर्ट इस बात का नोटिस ले। इसके अलावा आपको बताएंगे कि साद रफीक की जानिब से भी बयान दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि झूठे इमरान, तुम जमहूरी दुश्मन हो, अनासर के जमहूरी दुश्मन अनासर के मुहरे हो और तुम सुधरोगे नहीं। इमरान खान सियासी जंग में शिकस्त खा चुके हैं और जब वो शिकस्त खा लेते हैं तो फौज और अदलिया को बुलाने लगते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंध असेंबली की, खास तौर पर कल सिंध असेंबली का इजलास हुआ और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल जो है वो पास हुआ है, और सिंध के महकमों और अफसरों पर नैब का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। इस बिल के तहत सूबाई असेंबली में बिल मंजूर कर लिया गया, अपोजिशन की जानिब से हमेशा की तरह बहुत ज्यादा एहतजाज किया गया लेकिन अददी चूंकि वहां पर अक्सरियत थी लिहाजा ये बिल पास हो गया। अददी बरतरी की बुनियाद पर बिल मंजूर करा लिया गया है तो अदालत का रुख करेंगे। असेंबली में उल्टे हाथ पर बैठी पूरी बारात नैब को मतलूब है, वजीर कानून खुद इसके मुलजिम है, अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन की जानिब से ये तनकीद की गई है। अच्छा, बिल की बात हुई तो बिल की खबर भी मैंने यहाँ पर बताई जिसको मेन लीड का हिस्सा बनाया गया है, और एक और अहम खबर है जिसको यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया है कि अमरीकी वफद का आर्मी चीफ के हमरा जनूबी वजीरिस्तान और सरहदी निगरानी और सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग, और हमने देखा कि सेनेटर जॉन मैकेन की सरबराही में वफ ने जमीनी हकायक खुद देखे, इलाके में दोबारा क्याम अमन के लिए पाक फौज और कबाइल की कुर्बानियों का एतराफ किया। जबकि साथ साथ यहाँ पर एक और जो खबर है वो जरूर रीड करना चाहूंगी कि जनरल कमर बाजवा ने पाटा की समाजी और मुआशी तरक्की को सपोर्ट करने पर अमरीकी सैनेटर्स का शुक्रिया अदा किया है और बहुत ज्यादा तारीफ की है। आपको बताएं कि अमरीकी सैनेटर्स ने हमारी पाक फौज की, उनके हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से कि किस तरीके से पाक फौज जो है दहशत गर्दी की जंग लड़ रही है और किस तरीके से अमन की बहाली के लिए काम हो रहा है। इसके अलावा आपको बताएं कि ISPR की जानिब से ये कहना है कि ये वफ्त LOC तक ना जा सका। अच्छा, एक और खबर जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगी और मैं ढूंढ रही थी कि कोई सादिया कोई अच्छी सी मुझे कोई अच्छी न्यूज़ मिले कोई, लेकिन खैर आज सारी सियासी सी खबरें हैं। तो एक और खबर है कि नवाज शरीफ को निकाला तो शौकत अजीज जैसा आ जाएगा, ऐसे कहती हैं आसमा जहांगीर। जबकि सऊदी अरब से एक खबर शेयर करूंगी कि शाह सलमान को खुदाई सफात के हामिल शख्सियत करार देने पर कॉलम निगार को बरतरफ कर दिया गया है, और ये खबर
पर जो है मेन लीड का हिस्सा बनी है। ट्विटर पर भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी क्योंकि सहाफ़ी ने जो है बहुत ज़्यादा शाह सलमान की तारीफ़ें की, जिसके बाद एक्शन लिया गया और उसके बाद उनको बरतरफ कर दिया गया और उस कंपनी के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। जे आई टी के हवाले से हमने एक पार्टी की तो बात की है, इमरान खान की भी बात कर लेते हैं जो कि कह रहे हैं कि जे आई टी काबू में नहीं आ रही, बदनाम करने के लिए जोर लगाया जा रहा है शरीफ खानदान की जानिब से। जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जेआईटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सागडार लूट मार में मावुन, रिकॉर्ड टेम्परिंग कराई गई, इसके अलावा शफकत महमूद, आज की गुफ्तगू नॉर्मल नहीं थी, उनके बच्चे दुबई में अरबों के मालिक हैं, ऐसा कहना था फवाद चौधरी का जो कि मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर और वो मीडिया से अक्सर बातचीत कर रहे होते हैं, तो उनकी जानिब से इसी तरह के जुमले आते हैं। इमरान खान ने एक दफा फिर से कह दिया है, इससे पहले भी वो कह रहे थे कि जेआईटी को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है हुक्मरान जमात की जानिब से, और एक दफा फिर उन्होंने कहा है कि चूंकि जेआईटी काबू में नहीं आ रही लिहाजा इस तरीके से उसको बदनाम किया जा रहा है। इसके अलावा सभा आपने एक चीज डिस्कस की थी, जॉन मेकिन ने सरहदी इलाकों में खुद से जाके देखा है वहां पर क्या हकाइक हैं, लिहाजा ये काफी अच्छी चीज हुई है, एक अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि इसके बाद अगर अमेरिका पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा करता है तो कम अज कम उसको हकीकत तो पता होगी कि किस तरीके से अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा रहा है और इस पूरी सूरत हाल में रहते हुए पाकिस्तान किस तरीके से अफगानिस्तान के अमन के साथ के लिए ताबुन कर सकता है। मेरे ख्याल में जो डू मोर के मुतालबे की आपने बात की है, जिस तरीके से अमरीकी सेनेटर्स ने बयान दिए हैं, जिस तरीके से मुलाकात की है और जिस तरीके से वो मिले हैं आर्मी चीफ से, तो मेरे ख्याल में अब पूरे अमेरिका को ही उनकी पूरी क्यादत को अब ये बात समझ में आने लगी है कि पाकिस्तानी फौज वाकई काम कर रही है, पाकिस्तानी फौज वाकई दुनिया की बेहतरीन फौज है। खैर, बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड शामिल करते हैं और इसमें जो है वही डार साहब के हवाले से खबर है कि डार कैस्टिगेट्स आई के टू वॉइस डीप गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन। आपको बताएं कि जैसे जे आई टी का ये शुरुआत हुआ है और जीआईटी में तमाम लोगों की पेशियां जा रही हैं, तो मरियम नवाज के हवाले से उनका ये कहा जा रहा है कि बेटियों को बुलाना शुरू कर दिया अब जीआईटी ने, तो बेहतर ये होगा कि जीआईटी सवालनामा भेज दे और उसी का जवाब मरियम नवाज शरीफ दे देंगी। अगर इमरान खान साहब की बहनों को बुलाया जाएगा तो डेफिनेटली डार साहब को भी बुरा लगेगा। खैर, डार साहब के बयान को यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया। दूसरी जो है वो है कि पी एस डी पी डिसबर्समेंट कैटेगराइज बाय डिस्क्रिपेंसी, तो ये बिजनेस रिकॉर्डर की आम खबर है और आजकल अगर देखा जाए तो जीआईटी के हवाले से या बिल के हवाले से, क्योंकि 10 जुलाई को एक दफा फिर हम आपको बताते चलेंगे, 10 जुलाई को रिपोर्ट पेश की जानी है जेआईटी की जानिब से, जेआईटी का वक्त खत्म हो चुका है लिहाजा जेआईटी काफी तेजी से अपना काम जारी रखे हुए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वजीर आजम नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज आज फिर जेआईटी की तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने जा रहे हैं और सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी इस मौके पर जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, बताइएगा हुसैन नवाज कब तक जेआईटी के सामने पेश होंगे, क्या वक्त दिया गया है उनको और इस वक्त आप जुडिशियल एकेडमी के बाहर क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज क्योंकि आखिरी मराइल शुरू हो चुके हैं, मरियम नवाज को कल तलब किया गया है, हसन और हुसैन नवाज इन दो दिनों में तलब किए गए थे, तो इस तरह मजमू तौर पे अब जेआईटी जो है आखिरी मराइल में है। आखिरी 8 दिन में इन्होंने अपना काम मुकम्मल करके 10 अप्रैल को जो हतमी रिपोर्ट है वो 10 जुलाई है हतमी रिपोर्ट पेश करनी है, तो इस हवाले से आज जो हुसैन नवाज हैं वो यहाँ पेश हो रहे हैं। उस हवाले से सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ आए थे तो उस वक्त जो सिक्योरिटी के इंतजाम वही प्लान किया गया है और मुकम्मल तौर पे जो जुडिशियल एकेडमी को आने वाला रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है और चंद एक रास्ते जो हैं सिर्फ वो खोले गए हैं और वहां पर भी उन लोगों को आने की इजाजत है या वो जो मीडिया के लोग हैं या पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं और उनके अलावा किसी को भी यहां जो इर्द गिर्द का इलाका है जुडिशियल एकेडमी का इन अतराफ में आने की इजाजत नहीं है, तो इस तरह खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। साथ साथ नून लीग की तरफ से कल के लिए जो मरियम नवाज की पेशी है तो उस हवाले से भी कारकुनान को कहा गया है कि वो यहाँ आए, तो इस हवाले से पुलिस की तरफ से भी खसूसी इंतजामें आज हुसैन नवाज ने पेश होना है, तो इसलिए उनसे जो मुख्तलिफ नोयत के जो सवाल हैं वो पूछे जाने हैं। जे आई टी के जो अराकीन हैं वो भी कुछ देर में यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे और बाकायदा तौर पर 11 बजे आज उनको तलब किया गया है और उनसे जो उनको तायफ दिए गए और जो रकूम का उनको मिली और उसमें जो उनकी ट्रांजेक्शन होती रही तो उस हवाले से उनसे सवाल हैं। 6ठी दफा आज ये पेश हो रहे हैं, तो आज हुसैन नवाज की पेशी, कल मरियम नवाज की, तो इस हवाले से अब जीआईटी अपना काम मुकम्मल करने जा रही है, तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम आते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि डाइस लगे हुए हैं, आज भी बाहर आके उसी तरीके से धुआंधार तरीके से मीडिया से बातचीत होगी जैसे गुज़िश्ता रोज हमने देखा।
जी जितने भी कारकुनान हैं उनको यहाँ आने से मुकम्मल तौर पर रोका गया है। वुजरा को भी यहाँ एंट्री की इजाजत नहीं है, लेकिन जो चंद एक वुजरा होते हैं या जो करीबी हुकूमती अकाबरीन होते हैं तो वो यहाँ आते हैं। तो आज भी यही तवक्को की जा रही है कि जिस तरह धुआंधार तकरीरें रोजाना होती रही तो आज भी यहाँ होगी। जी यासर नजर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली जे आई टी के सामने पेशियों का सिलसिला जारी है, एक दरख्वास्तों की समाअत भी जारी है और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हुमा भट की जानेब और जानते हैं कि आज शहर में क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां मुनक्किद की जा रही हैं। जी हुमा भट, अपडेट कीजिए, क्या हाल है आज लाहौर शहर का? लाहौर शहर का हाल तो बहुत अच्छा है सबा, लेकिन क्योंकि जेआईटी का सिलसिला जारी है तो इस वजह से सियासी सरगर्मियां जो है वो तो सारी की सारी इस्लामाबाद में मुंतकिल हो चुकी हैं। और अगर कोई सियासी आपको बयान चाहिए या कोई ऐसी सियासी शख्सियत की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए तो उसके लिए भी इस्लामाबाद का ही रुख करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद में सब लोग मौजूद हैं और वहाँ पर ही कोई ना कोई बयानबाजी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी रहता है। लेकिन लाहौर में यकीन हमारे लिए है इस वक्त मौसम की खबर। मौसम की खबर इसलिए है क्योंकि महकमा मौसमियात ने ये नवीद सुना दी है कि 5 और 6 जुलाई को लाहौर में अच्छी खासी बारिश होगी। तो ये खबर जो है यकीनन शहरियों को बहुत खुश करेगी, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पर लाहौर में चलती है हवाएं चलती हैं, लेकिन उसमें क्योंकि हब्स इतनी ज़्यादा है कि वो हवा बिल्कुल असर नहीं करती है। तो इस वजह से 5 और 6 को हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर बारिश होगी। और इसके अलावा यकीनन मैं जिक्र करूँगी भावलपुर के जख्मियों का, क्योंकि वो इस वक्त जिनाह हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और वहाँ पर कल की गई 5 अफराद की स्किन ग्राफ्टिंग करनी थी और जिनमें से 2 अफराद की कल सक्सेसफुली कर ली गई है और आज बाकी के जो 3 जख्मी हैं उनकी स्किन ग्राफ्टिंग की जाएगी। जबकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है और उनकी अपील है कि जिस तरह बाकी अज़ा जो हैं उनको डोनेट किया जाता है, उसी तरह स्किन जो है उसको भी डोनेट किया जाए, ताकि हमें जिस तरह इस दफ़ा मंगवाई गई है अमेरिका से और उसके लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा है, तो आइंदा से वो इंतज़ार ना करना पड़े। और वो अफराद जो कि जल जाते हैं किसी ना किसी हादसे के बिना पर, उनके लिए यहीं पर से स्किन बैंक में से तमाम जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। जी बहुत शुक्रिया हुमा, हमें अपडेट कर रही थी लाहौर से। खास तौर पर सबसे अच्छी बात, उन्होंने जख्मी हैं वो काफ़ी तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया 5 और 6 को खास तौर पर मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात ने बताया हुआ है कि वहाँ पर बारिश होने वाली है। तो नाज़रीन बारिश होने के लिए वहाँ पर तो खुशी देख रहे हैं हम, अगर कराची में यहाँ पर पेशगोई हो जाए तो कराची वाले तो एक दफ़ा फिर से परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रास्ते भर जाते हैं, सड़कें भर जाती हैं, तो लोग काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। रुख करते हैं कराची ही का और कराची की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील अहमद, बताइएगा शहर कायद में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं, क्या कुछ है आज कराची शहर में, बताइएगा। देखिए साथियों, आपको बताएं कि कराची में अब कोई जो है वो फिलहाल बारिश का इम्कान तो नहीं है जिस तरह दीगर शहरों में है, लेकिन कराची में अगर हम सियासी माहौल की बात करते तो वो खासा गर्म होने जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि 9 जुलाई को जो है वो इंतखाबी मार्का है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, और 27 उम्मीदवार जो है इसमें जो है वो सफ़े आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो 6 बड़ी सियासी जमातें जिसमें एमकेएम पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, PMLN है और दीगर जमातें शामिल हैं। कल जो है वो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक जो है वो कराची पहुँच रहे हैं और उसके हवाले से जो है वो PS 114 के हवाले से वहाँ इंतखाबी जलसे का इनेकाद किया जाएगा और एक भरपूर रैली जो है वहाँ उसको मुनक्किद किया जाएगा, जबकि MKM पाकिस्तान भरपूर कैंपेन कर रही है। तमाम पीपल्स पार्टी का दावा यह है जो कि उसके उम्मीदवार हैं सईद गनी कि वो उनका हल्का है और वो वहाँ से भरपूर अंदाज में कामयाब होंगे और जो लोग माजी में जो कुछ करते रहे अब उनको जो है अवाम मुस्तरद कर देगी। तो ये कैंपेन अब जारी है, 9 जुलाई को इंतखाबी मार्का है। अब देख रहे हैं कि ये जो ज़िमनी इंतखाब है इसको कौन जीतने में कामयाब होता है, कि आया MKM पाकिस्तान जो कि गुज़िश्ता 1 साल से जो है वो MKM जो मुकम्मल MKM थी उससे अलग हो चुकी है, तो अब MKM उसको सीट जीतने में कामयाब होती है या नहीं। जी कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और ये जुलाई मुझे इंपॉर्टेंट चल रहा है, यहाँ पे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और दूसरी बात ये है कि JIT भी सबमिट करने जा रही है सुप्रीम कोर्ट को। खैर गुड मॉर्निंग, आज में मजीद कुछ न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। आपको बताएं कि कराची में सूबाई असम्बली के हल्के PS 114 में ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई। हल्के के 1,93,892 वोटर्स 9 जुलाई को हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी पोलिंग अमले की तरबियत मुकम्मल कर ली है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,12,203 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 81,689 है। और देखते हैं कि इस इलाके के जितने भी लोग हैं वो किसको वोट देते हैं और सेनेटर सईद गनी के दावे सच साबित होते हैं या नहीं होते हैं।
आगे बढ़ते हैं, बताएं आपको नॉर्थ नाजमाबाद कराची में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आवारा कुत्तों को रंग करके नायाब जाहिर करके बेचने वाले फ्रॉडियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम सगीर आवारा कुत्तों को नायाब नस्ल का कुत्ता जाहिर करके खरीदो फरोख्त की वेबसाइट OLX पर बेचता था। धोखा खाने वाले शहरी रियाज ने कुत्ते हासिल करने के बाद जब उन्हें नहलाया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और जर्मन शेफर्ड कुत्ते आवारा कुत्ते नजर आने लगे। मुलजिम के कब्जे से 4 आवारा कुत्ते भी बरामद कर लिए गए। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल, इतना बड़ा धोखा। बिल्कुल, खाने पीने की अशिया में तो फ्रॉड कर ही रहे हैं लेकिन अब जानवरों को भी तब्दील कर करके बेच रहे हैं। क्या बात है जनाब, पकड़ना चाहिए जरूर। आगे बढ़ते हैं, वजीर करेंगे ऐसा ना हो कि एक दफा जीत के फिर वो बहुत ही रिलैक्स हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं हर मैच में और फिर उसको छोड़ना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक गाइस, हम बात करेंगे यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से। पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी सेनेटर्स के वफ्द ने जनूबी वजीरिस्तान का दौरा करके वहां से दहशतगर्दी को खत्म कर देने के लिए पाकिस्तान की आवाम और उसकी मुसल्ला फाज के किरदार को खराज तहसीन पेश किया है। जिस तरीके से सब हम डिस्कस कर रहे थे कि जॉन मैकन ने जाकर वहां पर खुद से देखा है कि क्या सूरत हाल है, उनका इस मौके पर कहना था कि वजीरिस्तान इतना पुरअमन होगा ये कभी सोचा भी नहीं था। जॉन मैककेन की क़यादत में आए हुए अमरीकी वफ्द ने जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा भी उनके हमराह थे। अमरीकी सेनेटर्स को इलाके की समाजी तरक्की और पाक अफगान सरहद की इंतजामकारी पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द के अरकान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के इकदाम को मुतासर कुन करार दिया। इनका कहना था कि इस दौरे से इन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने और मुश्तरका इकदामात के तकाजों से बेहतर आगाही हासिल हुई। अमरीकी सेनेटर्स का कहना था कि पाक फौज अफगान सरहद को बेहतर बना रही है, ये सब के लिए फायदा मंद होगा। अवाम और फौज ने दहशतगर्दी को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया है। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियोज में सीनियर सहाफी नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज क्या लिख रहे हैं आज एडिटोरियल? जी, आज आपने जॉन मैकेन के जो दौरा है, जो अमरीकी वफ्द के दौरे के बारे में बड़ी खबरें सुनाई हैं आवाम को, उसी हवाले से इदारे भी हैं क्योंकि एक बड़ा एक अहम तरीन दौरा करार दिया जा रहा है। उस तनाजुर में कभी हमने देखा कि वाशिंगटन में जो मुआनका हुआ नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का, फिर उसमें भारत के साथ अमेरिका ने हज़ारों डॉलर्स के जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स के माहदे किए हैं असले के ड्रोन्स के, फिर भारत को खुली छूट दे दी गई है कि वो जोहरी हथियार जो हैं वो दूसरे मालिक को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद हमने देखा जब ये दोनों की जफ्फी पड़ी, उसके बाद हमने देखा कि अमरीकी वफ्द जो है वो पाकिस्तान आ गया। ये जो है जॉन मैकेन की क़यादत में, जो कि आर्म सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है यहाँ इस खत्ते के हवाले से इनका, तो ये इनका आना यह बहुत अहम है। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि इनकी आमद ये भी इंडिकेट कर रही है कि अमरीका बावजूद भारत से अपने ताल्लुक बढ़ाने के पाकिस्तान के किरदार को नज़रअंदाज करना उसके लिए मुमकिन नहीं है और वो समझता है। और हमने ये भी देखा जॉन मैकेन की स्टेटमेंट के बाद जो उन्होंने दी के यानी कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो खित्ते और ख़ासकर अफगानिस्तान के अमन के लिए नागुजीर है और ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इदारियों ने इसी हवाले से बात की है कि एक तरफ तो जॉन मैकेन ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरा अमरीकी पॉलिसी क्या है, आखिर में ये वेक पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए कि अमरीका चाहता क्या है, क्योंकि जॉन मैकेन ने क्लियर कहा है कि कश्मीर पॉलिसी चेंज नहीं हुई। अब अगर कश्मीर पॉलिसी चेंज नहीं हुई है अमेरिका की, और हमें मालूम है कि कौमी सलामती काउंसिल की उस करारदाद में जिसमें कश्मीरियों को हक़ खुद इरादे देने के लिए उनको उनका वोट के लिए कहा गया था, उसमें अमेरिका भी उन महरकिन में अमेरिका खुद भी शामिल था। अच्छा नफीस भाई, आपने जो पहले इससे डिस्कस किया, खासतौर पर आपने वो मुहिदे डिस्कस किए जिसमें आर्म्स देने की बात हुई है इंडिया को, यानी कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल रीजन में बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब करने वाला फिर अमेरिका हो गया।
बिल्कुल ठीक है। अब इस पूरी चीज के बाद पाकिस्तान जॉन मेकिन आते हैं और पाकिस्तान से ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में उस वक्त तक मुमकिन नहीं है हम जब तक कि इस्लामाबाद की जानिब से कोशिशें ना की जाएं जो कि जारी हैं। पिछले कुछ अरसे में हमने बहुत सी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज देखी हैं जिसमें पाकिस्तान की जानिब से ये बात तय कर दी गई है कि हमारी तरफ से, और पहले भी इससे इन कॉन्फ्रेंसेज को अगर साइड पर रखा जाए, इससे पहले भी पाकिस्तान के हमेशा से खारजा पॉलिसी में हमारी फॉरन पॉलिसी का उसूल ही बेस ही इस पर थी कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ममालिक मौजूद हैं खासतौर पर हमारे हमसाया ममालिक उन तमाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रख के आगे चला जाएगा। इसके अलावा जॉन मेकिन ने यह भी बात कही है कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया को टेबल पर होना चाहिए। ये पाकिस्तान से ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब इंडिया की जानिब से मुज़ाकरात की बात की जाती है तो वो कहते हैं कश्मीर के अलावा बाकी सारे इशूज पर बात करने को हम देखिए। सारी आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया, मैं इसमें ये आपने जो कहा ना कि पाकिस्तान चाहता है खत्ते में ताल्लुकात, तो हमारे प्रोग्राम में भी तेमीना आई थी सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने बिल्कुल यानी कि दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक से बेहतरीन ताल्लुक चाहता है और पाकिस्तान की कोशिश यही है। लेकिन मसला ये है कि इदारे भी ये कहते हैं कि अमरीका की अब तक की पॉलिसी जो है वो इंडिकेट करती है कि अमरीका अभी भी मावनत जो अमन के हवाले से किरदार अदा करने में खत्ते के नाकाम रहा है और ये उसे किरदार अदा करना चाहिए। जॉन मेकिन की स्टेटमेंट देख लें और फिर अमेरिकन इंतजामिया की स्टेटमेंट देख लें तो ये इदारे कहते हैं कि उन्हें चाहिए कि जो मतजाद स्टेटमेंट है जो उनके अमल और बातों में और जो अमल अमली तौर पर जो तजाद है उसको खत्म करवाएं, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि जॉन मेकिन ये कर सकते हैं बात। अमेरिका देखें इंसानी हकूक की बात तो बहुत करता है, कश्मीर में आप देखिए अभी हमने देखा कि मोदी के उस पर हुर्रियत रहनुमा सैयद सलाउद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया। अमेरिका को नजर नहीं आता कि सिर्फ जून के महीने में 37 कश्मीरियों को, दो नौ उम्र बच्चों समेत 37 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया और कुलभूषण जाधव के मामले को वहीं पर खामोश रखा गया, वहां से किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आपकी इसी बात को जो है मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि आप सलाउद्दीन साहब की जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि 150 दफा जो है मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन उसमें एक भी दफा कश्मीर का मसला डिस्कस नहीं करते। ये कहते हैं कि हम तो कायम कर लेंगे लेकिन आप अमन कैसे कायम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का तो नजरिया ये है कि कश्मीर हमारी शहर है तो आप उसको निकाल के अमन की बात कैसे करेंगे। और दूसरी बात कि एक तरफ चीन और अमरीका के ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने अपना जहाज जो है वो मुतनाज़े समंदर में उतारा हुआ है। दूसरी तरफ जॉन मेकिन यहाँ पर आते हैं, अमरीकी वफ्द भी यहाँ पर आता है, हमारी फौज की भी तारीफ करता है, तो बैन अलावामी तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ ममालिक को उनकी नजरियात के साथ अपनी खारजा पॉलिसी के साथ कैसे केटर करे। बिल्कुल ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और हुकूमत भी इस पहलू पर बात कर रही है। आप देखें वफ्द को जनूबी वजीरस्तान ले जाने का मकसद ही यही था कि आप जो डूमोर का मुतालबा करते हो और भाई हम तो तवक्को नहीं कर रहे थे, आपने जनूबी वजीरस्तान में अमन कायम कर दिया। हाँ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान आर्मी ने और दुनिया जानती है कि चाहे वो इसका एतराफ नहीं करते खुलम खुल्ला, लेकिन वो मानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं और हमने अमन कायम किया है। इंपॉर्टेंट दौरा रहा और हमने इस पर डिस्कस भी किया, व्हाट नेक्स्ट। जी हाँ, अभी हमने देखा ये एक मैं अभी इदारे पढ़ ही रहा था कि करक में ट्रैफिक हादसा, हैदराबाद में ट्रैफिक हादसा, जामशोरों में ट्रैफिक हादसा और तीन हादसा तो ये हो गए। अभी हैदराबाद में हुआ, 6 अफराद जाँबाग हो गए, 33 जख्मी हो गए, इदारे भी इस पर आए हैं। मुल्तान में अलनाक ट्रैफिक हादसा एक्सप्रेस का एक इदारती नोट है, जंग का है कि ट्रैफिक हादसा बुनियादी असबाब का अजाला जरूरी है। अभी हमने देखा था कि ईद से एक रोज़ कबल अहमदपुर शर्किया में एक बड़ा सानहा हुआ और 207 उसकी डेथ टोल पहुँच चुकी है। कल भी जन अस्पताल में एक जिसके बेचारे का 30 साल नौजवान था उसका 93% उसका झुलस चुका था, उसकी डेथ हो गई, तो ये 207 तक पहुंच गई है डेथ टोल। उसके बाद हमने देखा कि मुल्तान में ट्रैफिक हादसा हुआ, वही हुआ कि गाड़ी उसमें 20 बंदों की गुंजाइश थी, 30 को बिठाया गया, टायर बस्ट हुआ, गाड़ी ने खंबे को स्ट्राइक की और वो उसमें आग लग गई, यानी कि लोग निकलने में कामयाब हुए लेकिन एक ही खानदान की 6 खवातीन और 2 बच्चे झुलस कर जहां बाग हो गए। तो सरगोधा में टैंकर उल्टा हादसा हुआ, वो तो शुक्र है कि 4000 लीटर पेट्रोल था लेकिन वो ड्राइवर की हाजिर दिमागी से और फिर निगम आपने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए वाकई अब बहुत सीरियसली और ऑन ग्राउंड जाकर एक्शन लेने होंगे। आप ये देखें कि दुनिया में बल्कि गाड़ियां जितनी भी आ रही है पुरानी से पुरानी और नई से नई, आप उसमें बेल्ट देखते होंगे कि बेल्ट लगा हुआ होता है, लेकिन हमारे यहाँ
अब आके ये बात डिसाइड की गई है कि भाई बेल्ट लगाना जरूरी है और उसके लिए अगर आप नहीं लगाएंगे तो चालान हो जाएगा और बाकी लोगों को इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से तैयार किया जाता है। इस पर भी हम देखते हैं कि हमारे साथ जो ड्राइविंग सीट पर मौजूद है वो तो लगाएगा क्योंकि चालान हो जाएगा, लेकिन जो फ्रंट सीट पर मौजूद है या फिर बैक सीट्स पर मौजूद है उनका बेल्ट नहीं लिए। मैं एक छोटी सी एक मिसाल दे रही हूँ और उसके बाद फिर हम, ये तो अलमिया है कि बड़े से बड़े बसेस, बड़ी से बड़े सुजुकी, उसके अंदर भी उससे ज्यादा लोग डालने की कोशिश की जाती है। तो ये इसके ऊपर भी पूरी एक ऑन ग्राउंड अगर चीजों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए कि अगर कोई बस गुजर रही है तो एक एक को चेक किया जाए, और ये मुश्किल काम है लेकिन ड्यूटी अगर लोग ड्यूटी पे मौजूद है तो फिर इसको कर सकते हैं। यही इदारती नोट्स भी कहते हैं कि इंतजामिया को फाल करने की जरूरत है और एक आगाही मुहिम चलाने की जरूरत है। ये बात सही कह रही है सादिया, कि हमें पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, उनके इकदाम के हवाले से, इन हादसों के हवाले से आपसे बहुत से सारे करने थे सवाल, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास होता है शॉर्ट, तो बहुत शुक्रिया आपने दो एडिटोरियल डिस्कस किए। खैर जी, टॉप वर्ल्ड स्टोरी के ऊपर जाते हैं और आपको बताएं कि फ्रांसीसी सदर ने पार्लियामान की निशस्तों में कटौती का मंसूबा तैयार कर लिया। रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि हमारे यहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो हमारी रेस्क्यू टीम्स बर वक्त पहुंचती ही नहीं है। एंटीक क्राफ्ट के भी हवाले से बात करेंगे जो कि हमारे प्रोग्राम की आज की थीम है। शो में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको एंटीक क्राफ्ट के शौकीन दिल अब्बास से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज के दिन यानी 4 जुलाई 1776 में अमेरिका ब्रिटिश एम्पायर से आजाद हुआ था, इंतहाई अहम दिन। चार जुलाई जिसे अमेरिका की आजादी का दिन भी कहा जाता है और इस मौके पर पूरे अमेरिका में वफाकी हुकूमत की जानिब से छुट्टी होती है। लोग इस दिन को जश्न आजादी के तौर पर मनाते हैं। 2 जुलाई 1776 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने आजादी के हक में वोट दिया था और दो दिन बाद यानी 4 जुलाई को अमेरिका की 13 कॉलोनीज के डेलीगेट्स ने इसे कबूल किया था और अमेरिका ब्रिटिश एम्पायर से आजाद हो गया था, जिसका तारीख मुसव्वदा थॉमस जेफरसन ने लिखा था। आजादी का दिन अमेरिका में ईद की मानिंद होता है, जहां लोग आतिशबाजी, कार्निवल्स, बारबेक्यू पार्टीज और मुख्तलिफ अकसाम के गेम खेलकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और हम बात कर रहे हैं चूंकि एंटीक चीजों के हवाले से, तो आपको बताएं ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड का मुहावरा तो आपने सुना होगा। इसी लिहाज से कोई भी चीज जितनी पुरानी हो और अपनी असल हालत में रहे तो नायाब और एंटीक कहलाती है। जी हाँ, और कराची में एक ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी है जिन्होंने कदीम चीजों को अपने घर की सकाफत बनाया हुआ है। हमारी टीम ने दिल अब्बास से मुलाकात की है, आइए देखते हैं। मेरा नाम दिल अब्बास है, आई केम फ्रॉम मलेशिया, आई एम ओवरसीज पाकिस्तानी, और बेसिकली जो ये हैंडीक्राफ्ट और ये मैं चीज़ें यहाँ पे इस मार्केट में, जरा मार्केट में आया हुआ हूँ, आई वांट टू बाय फॉर माय फ्रेंड्स, के मैं मलेशिया में इस ऑलमोस्ट लाइक 16 ईयर से हूँ, तो मेरा जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, दे आर फ्रॉम ओवरसीज, लाइक एक ब्रिटिश ऐसा है और यूएस पीपल हैं, प्लस साथ में लोकल चाइनीज पीपल हैं, दे लाइक अ लॉट पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली आपके जो मार्बल से बनी हुई चीज़ें हैं, दे लाइक वेरी वेल। भी मैं पाकिस्तान विजिट करता हूँ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरे फ्रेंड्स के या मेरे जो सर्कल है, इवन मेरा जो घर है उसमें भी कुछ ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट मैंने रखे हुए, तो दे आर लाइक व्हेन दे केम एंड दे विल आस्क मी के कैन बाय दिस और बाय दैट, सो वन थिंग तो ये होता है कि गिफ्ट देने के लिए, एंड सेकेंड थिंग ये होता है कि आप अपने घर में भी कुछ चीज़ ऐसे ही कोई डेकोरेट कर सकूँ। अपने घर में ऐसी चीज़ें देखी लाइक पीतल के, हम इवन अभी तक मैं माशाल्लाह 35-36 हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक वी आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पीतल ग्लास, तो ये चीज़ वो भी थी, और प्लस जब मैं वहाँ विजिट करने गया और इवन मेरे कोई फ्रेंड्स आए तो कुछ ऐसी चीज़ें लाए तो जो वो लोगों ने बहुत इंकरेज किया, तो दैट्स वाई आई हैव टू बी कम हेयर एंड बाय दैट काइंड ऑफ स्टफ। जब मैं शुरू में आता था यहाँ पे तो इस
lot of shops are here. But अब मैं जो आज विजिट कर रहा हूँ तो मैंने ऑलमोस्ट ये देखा कि लेस शॉप्स हो गई है. तो मे बी कि डिमांड नहीं है इतनी ज़्यादा, लोगों का इंकरेजमेंट नहीं है इस तरह पर, और माइट बी द इंडस्ट्री को कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है. तो दैट्स वाई माइट बी द रीज़न के वो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाई इन सालों में जो मैं जितने इस पीरियड में मैं यहाँ पर विजिट किया है. और एज़ कम्पेयर टू अगर दूसरी शॉप्स को देखें तो बहुत ज़्यादा उसमें बिजनेस भी आया है, लोग इंकरेज भी होते हैं वहाँ जाते हुए. लाइक दिस एंटी क्राफ्ट और ये जो हैंडी क्राफ्ट की चीज़ें हैं इसके लिए लोगों का रुझान मेरे ख्याल में थोड़ा सा डाउन हुआ है. और माइट भी इसका एक रीज़न ये हुआ कि द प्राइसेस आर वेरी हाई. लास्ट टाइम व्हेन आई केम हियर एंड बाय दैट स्टफ एंड नाउ इट्स टोटली डिफरेंट. माइट बी दी आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न. मे बी कि इंडस्ट्री डाउनफॉल है, लोग बनाने वाले काम है, या आया लोगों की डिमांड बढ़ गई है तो ये जो उसकी मोनोपोली की गई है उसकी प्राइसेस हाई किए गए. माइट बी दैट इज द रीज़न. खूबसूरत बहुत सी चीज़ें उनके पीछे भी रखी हुई थी और जो उन्होंने लास्ट में भी दिखाई, एक मटका सा बना हुआ था मेटल का, लेकिन इंतहाई खूबसूरत. इसके अलावा मेटल के अलावा भी वहाँ पर चीज़ें हमने देखी कि मार्बल की भी बनी हुई थी कुछ चीज़ें, जो कि ये तो फेक एंटीक है लेकिन इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि असल में जो एंटीक होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है. और यही वजह है कि उसका शौक भी काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते. एंटीक चीज़ों के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे और पूछेंगे कि आपके ड्राइंग रूम में कितनी ज़्यादा एंटीक चीज़ें हैं और ये किस तरीके से दूसरों से आपके ड्राइंग रूम को मुनफरिद बनाती हैं. गुड मॉर्निंग, आज में यह वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको. पीतल आइटम मेकर शर्जील अली खान और मोहम्मद इदरीस से. वेलकम बैक गाइज. हम बात कर रहे थे एंटीक क्राफ्ट के हवाले से, एंटीक मेटल आर्ट के हवाले से खास तौर पर. तो इस थीम से रिलेटेड हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में खलील नजमी साहब, जो बहुत अच्छे मेटेरियल आर्टिस्ट हैं. उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी बनाई हुई चीज़ें भी देखेंगे और उनसे इस आर्ट के हवाले से जानेंगे भी ज़रूर. खलील साहब बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में. और सब ये सारी चीज़ जो हम बात करें, काफ़ी कम लोग रह गए हैं एंटीक जमा करने वाले, एंटीक से मोहब्बत करने वाले और एंटीक से रिलेटेड चीज़ें बनाने वाले, क्योंकि पेंटर्स तो हम देखते हैं, दूसरे आर्टिस्ट भी हम देखते हैं, इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी जो अभी आपका काम हम देख रहे हैं. इसके हवाले से हमें बताइएगा. और दूसरा ये भी बताइएगा, अब एंटीक कितने बचे? ये एक काफ़ी ब्रॉड सवाल हैं आपके, और मैं इस बारे में ये अर्ज़ करूँ कि रिवायती तौर पे जो दस्तकारी है, जैसे अब वो दस्तकारी जो पहले हुआ करती थी अब वो एंटीक कहलाती, तो दस्तकारी की रिवायत जो है वो मुख्तलिफ़ सल्तनतें थीं इस्लामी दुनिया में, ख़ास तौर से जैसे सल्तनत उस्मानिया, सफ़वी हुक्मरान जो थे वो, और उसके अलावा फिर मुग़ल्स ने इसको पैटर्नाइज किया और काफ़ी प्रमोट हुआ उनके दौर में ये काम. हमारे यहाँ बड़े सगीर में पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सेंटर्स डेवलप हो गए इस हवाले से कारीगरों के. जो लोग महारत हासिल करते गए उन्होंने अपनी बाद की जनरेशन्स को ट्रेन किया इसमें, और फिर वो काम जो है वो काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया, चल पड़ा, और पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट थी वो, जैसे मुरादाबाद है हिंदुस्तान में, इसी तरह पाकिस्तान में पेशावर है, लाहौर है, मुल्तान है, कराची, हैदराबाद. कराची हैदराबाद में तो हिंदुस्तान से आने वाले काफ़ी कारीगर सेटल हुए, और मुरादाबादी काम यहाँ पे जड़ाव काम जिसे कहा जाता है, जिसमें मेटल के अंदर शीशे जो हैं मुख्तलिफ रंगों के, उनको जड़ के बना दिया जाती हैं चीज़ें. तो बहरहाल ये सारा काम जो है वो उसको एक वक्त तक काफ़ी पजीराई रही. साहिब सरवत लोग जो हैं उनका पेट्रनेज रहा. हमारे यहाँ एक रिवायत है जैसे बेटी को जहेज में चीज़ें दी जाती हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट थी, और अच्छे से अच्छा काम चाहिए होता था लोगों को, मतलब हर आदमी अपनी इस्तेआत के मुताबिक ही सही, मगर थोड़ा बहुत ही सही. हाँ. मगर लोग
लेते थे इन चीजों को. Exactly. मगर अब ट्रेंड चेंज हो गया. मिसाल के तौर पे शीशे के बने हुए बर्तन आने लगे, हैंडवर्क से ज्यादा मशीन पे चले गए. मगरिब ने काफी समझिए कि इसमें इजादात. अच्छा, नजमी साहब, आपके काम के हवाले से डेफिनेटली हम आ गए हैं. इससे पहले भी जब आप आए थे तो आपने अपने काम के हवाले से बताया था. बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं. आज जो हमारी ओवरऑल थीम है वो एंटीक थिंग्स के हवाले से है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे ड्राइंग रूम्स में पहले भी और अभी भी हम कहीं कहीं देखते हैं कि लोगों ने बड़ा एंटीक किस्म का पीस या कोई सीनरी जो है वो उसको लगाई होती है, जो उनके ड्राइंग रूम को काफ़ी मुनफरद बना देती है बाकी चीज़ों से. लेकिन कहीं ना कहीं इसका शौक, इसका क्रेज़ कम होता जा रहा है. और अगर मार्केट्स जाएँ तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें अब बड़ी नायाब हैं. इसकी क्या वजह है? बदकिस्मती की बात यह है कि जो साहिब ज़ौक लोग होते थे उनका कैतुल रिजाल जैसे हर तरह का पाकिस्तान में पाया जा रहा है. तो इसमें भी कैतुल रिजाल जो है वो आ गया है. और जो अच्छे घराने होते थे जो इन चीज़ों का ज़ौक और शौक रखते थे तो उनकी कमी हो गई है. अब ज़्यादातर मैं क्या कहूँ इसको, मगर ये कि लोग चाइना की बनी हुई चीज़ों को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं. दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. इसकी वजह से हमारी मुख्तलिफ ट्रेड्स जो हैं वो अपनी मौत मर रही हैं. और ये एक बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है. मगर बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतें भी जो हैं इसकी प्रमोशन में कोई खातिर ख्वाह उन्होंने काम नहीं किया. एक इदारा टिडैप बनाया हुआ है उन्होंने जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मसनूआत को प्रमोट करता है, मगर वहाँ भी एक बहुत लिमिटेड हद तक ये प्रमोशन है. और हुकूमत की जो सरपरस्ती चाहिए होती है, मिसाल के तौर पर रिसर्च बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन बहुत ज़रूरी है. तो मिसाल रिसर्च सेंटर्स और इस तरह की चीज़ों के कयाम की ज़रूरत है, यानी कि हुकूमत ही को इसके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल होगा. बिल्कुल आपने सही कहा कि अब लोगों का शौक किसी और जानब जा रहा है. ऐसा भी है कि ये चीज़ें महंगी भी हो चुकी हैं, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि ये चीज़ें या एंटीक से रिलेटेड ज़ौक रखने वाले लोग अगर ज़ौक रखते भी हैं तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा है? नहीं, ये बात मैं इससे एग्री नहीं करूँगा. असल बात यह कि ये डिमांड और सप्लाई का मामला है सारा. सही. मिसाल के तौर पे जब डिमांड ज़्यादा होती है तो चीज़ें ज़्यादा बनती हैं. सही. ज़्यादा बनती हैं तो समटाइम्स उसका बेनिफिट कस्टमर को मिलता है. वो ये होता है, मिसाल के तौर पे एक शख्स है वो 500 पीसेस बनाता है एक हफ्ते के अंदर, और अब उसकी सेल नहीं है तो वो मुश्किल तमाम 100 पीस बनाता है, तो वो 500 की कीमत पे बेचना पसंद करेगा. इस पोर्ट्रेट की कुछ बात करते हैं, इंतहाई खूबसूरत. इसको देखते ही बिल्कुल पेट्रियोटिज्म बिल्कुल बाहर आ जाता है और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इसको देख के. इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कीजिए कि इसको आपने कितने दिन में बनाया और क्या कॉन्सेप्ट था जब आप इसको बना रहे थे, और इस पूरे आर्ट को डिफाइन कीजिए कि ये क्या कहलाता है एग्जैक्टली. ये बुनियादी तौर पे बेस्ट रिलीफ डिसिप्लिन में है. अच्छा. और हाई प्रिसिशन पोर्ट्रेट है. हाँ. जो कि सिक्के और मेडल्स वगैरह की तैयारी में इस्तेमाल होती है इस तरह की पोर्ट्रेट्स, और इसको मेडालियन पोर्ट्रेट कहा जाता है. मेडालियन पोर्ट्रेट, जी हाँ. तो मैंने बुनियादी तौर पे ये पोर्ट्रेट जो बनाई थी वो मेरा पाकिस्तान मिंट के मास्टर ऑफ द मिंट थे मिसबाह उल हक साहब, उनकी ख्वाहिश पे मैंने बनाई थी. और उनका इरादा ये था कि तीन सिक्के जो हैं हमारे फाउंडिंग लीडर्स कायदे आज़म अल्लामा इकबाल और मोहतरमा फातिमा जिना उनके इशू हों. तो उस सिलसिले में पहली पोर्ट्रेट मैंने बनाई थी, मगर उसके बाद उनकी रिटायरमेंट आ गई. और फिर अब भी दिलचस्पी तो लोग रखते हैं पाकिस्तान मिंट में, मगर ये कि आई डोंट नो थोड़ा सा मामला पीछे रह गया. फिर मैंने इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुख्तलिफ अंदाज में मैंने इसको डेवलप किया. ये है इसकी एक, समझिए मेरी तरफ से तो फाइनल शक्ल है. बताऊंगी कि ये स्क्रीन पे इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है, लाइव बहुत ज्यादा खूबसूरत और बिल्कुल रियल होने का गुमान जिस तरीके से उसको इम्पोज किया गया है, बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह. खलील साहब, इसके हवाले से भी जानना चाहूंगी
इस तरह की फोटोज हम जब मोहनजोदड़ो के हवाले से पढ़ते हैं बुक्स में तो हम उसमें देखते हैं इस तरह की फोटोज, स्टैम्प्स वगैरह जो हैं। आपने यानी कि एंटीक चीजों को बनाने की कोशिश की, मेटल कौन सा यूज हुआ, कितना इसके ऊपर खर्चा आ जाता है या फिर कितना महंगा पड़ता है ये जब हम सेल करने जाते हैं इन चीजों को? मैं एक्चुअली ये जो एफर्ट मेरी है वो गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाने के लिए है कि हमें कंट्री ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत कुछ है दिखाने को दुनिया को कि पाकिस्तान क्या है, हम उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे। और हकीकत यह है कि जैसे हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हमारी हिस्ट्री है, हमारे फोकलोर है, हमारी लव स्टोरीज हैं, जिनको दिखाना चाहिए आपको इन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, पेंटेड भी दिखाएं, रिलीफ में भी बना के दिखाएं। इसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से दूसरे कंट्रीज बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं अपने कंट्री में। लेकिन आप बताइए कि आपने ये पूरी जो चीज़ बनाई है, आपके जैसे कितने और आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आता इतना ज़्यादा काम, जिस तरीके से आपने कहा कि हुकूमत इसको तवज्जो नहीं देती है इस पर? मैं समझता हूँ कि आर्टिस्टों के लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है वो अपने काम को बेचना होता है या किसी कॉन्सेप्ट को सेल करना होता है। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं इस काम में महारत नहीं रखते। मेरी कुछ खुशनसीबी ये रही कि प्रोफेशनली मेरा सफ़र ऐसा रहा कि सेल्स मार्केटिंग से मुंसलिक रहा मैं, तो अपनी जो चीज़ें मैं डेवलप करता हूँ वो मैं खुद बढ़ के उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरे ये तजुर्बा मेरा काम आ रहा है। नो डाउट आपका काम भी बहुत खूब, काम भी बहुत अच्छा। अच्छा नजमी साहब, डेफिनेटली ये आपने कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ पेंट किया हुआ, इसके बारे में बताएं कि ये क्या आपने इसकी स्टोरी क्या है, थोड़ी सी इसके असल बारे में बताएं, क्योंकि मुझे बड़ा डिफरेंट लग रहा है। यूं इवॉल्व होता है, ओके, यूं इवॉल्व होता है। पहले मैं इसको वुड के ऊपर कार्व करता हूँ, मेरा फेवरेट मीडियम है वुड, तो पहले मैं वुड पे कार्व करता हूँ, उसके बाद फिर उसके बाद समटाइम्स इसे मेटल में इस तरह कास्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और या फिर इसका मोल्ड बना के लाइक दिस। तो मैं अच्छा हमारे इसको इस तरह से क्ले में बनाने के लिए, ओके, क्ले पे बनाने के जो आपके हाथ में है वो क्ले का पीस है। जी हाँ, ओके। अच्छा नजमी साहब, डेफिनेटली इस तरह की चीजें बनाने के लिए जो एक आर्टिस्ट है जो एक इस तरह की चीजें बना रहा है उसके लिए कितना काउंट करती है कि उसको हिस्ट्री पता हो, अपना हेरिटेज पता हो, विरसा पता हो, ताकि वो तमाम चीज़ों को जो है वो पोर्ट्रेट के ऊपर पोर्ट्रे कर सके? इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ये बात इम्पोर्टेंट होती है कि उसे ये पता हो कि जब मैं ये बना लूँगा तो बेचूंगा कहाँ, बेचूंगा कहाँ, क्योंकि उसका तो ब्रेड एंड बटर अगर इससे है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये मतलब किसके जरूरत की चीज है और कहाँ पहुँचानी है, तो बनाने से पहले उसको इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक। अच्छा कितनी ज्यादा एप्रिसिएशन आती है जब आप ये चीजें पोर्ट्रे करते हैं, बनाते हैं और एग्जीबिशंस वगैरह अगर होते हैं तो वो लोग जिनको बड़ा जौक है एंटीक चीजों का, वो लोग जिनको पता है इनकी कद्रो कीमत क्या है, कितनी ज्यादा ये नायाब होती है और फीडबैक नहीं है, तो कितनी ज्यादा आपको पॉजिटिव फीडबैक आता है या कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा, ओवरवेलमिंग। जिस तरीके से बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट तो खैर इतना ज्यादा इसको नहीं करती है, आप इसको बाहर ले जाने की कभी कोशिश की हो या बाहर भी आपने एग्जीबिशंस किए हों अपने काम के, मुल्क से बाहर? देखिए मैंने तो यूं किया है कि मैंने एक लिस्ट आउट कर लिया है कि किन किन थीम्स के ऊपर काम किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर हमारी आर्कियोलॉजी के हवाले से मैंने ये मोहनजोदड़ो की एक सील बनाई है, राइट, बहुत कुछ है मोहनजोदड़ो में दिखाने के लिए। आपको शायद मालूम हो कि मोहनजोदड़ो में यो-यो भी बरामद हुआ, यो-यो जिससे आप बच्चे के जी डोरी लपेट के और वो आप यो-यो, इट्स लाइक अ लट्टू, हाँ, इन फॉर्म ऑफ लट्टू, हाँ बिल्कुल। और इसी तरह से मेस भी है उसमें, जिसमें ऐसे स्पाइरल बना हुआ है प्लेट के ऊपर और उसमें बॉल को सेंटर में लाना होता है बच्चे ने, जिससे बच्चों की जो हाथ की मूवमेंट है वो बेहतर होती है। तो मोहनजोदड़ो बहुत आगे था अपने दौर से, बहुत आगे था। और हमें अगर हम बताने चाहें तो
तो हमारे पास बहुत कुछ दिखाने को बताने अच्छा, को है। अच्छा नकवी साहब, इतना ज्यादा आपके पास इस इल्म का खजाना मौजूद है, इतने आप पायनियर हैं, इतना जबरदस्त आपका काम है, क्या आप सिखाते भी हैं? और अगर नहीं सिखाते, कोई सीखना चाहे तो क्या आप उसको सिखाएंगे? मैं क्या तो दिलो जान से सिखाना चाहूंगा। अच्छा, कोई सीखना तो चाहे नहीं, तो आपका कोई इस हवाले से कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या कोई अभी तक आपने? नहीं, अभी तक ये जरूरत नहीं कर पाया मैं। और इसके लिए मतलब अपने आप को, अपने आप को ज़हनी तौर पे बड़ा तैयार करना पड़ता है। और हकीकत ये है कि प्रोबेबली आई नीड टीम के जो लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव। आपने कहा यू नीड टीम, गुड मॉर्निंग, आज की पूरी टीम आपके साथ है, आप जिस तरह कहेंगे हम आपका साथ देंगे। और हम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग इस आर्ट में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो नजमी साहब मौजूद हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। जी ठीक है खलील साहब, एक चीज हम बहुत सारे आर्टिस्ट देखते हैं नए, जी, जी। उनका काम भी देखा है, उसमें इस तरह की एंटीक चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं किया जाता। नॉर्मल पेंटिंग्स या फिर इस तरह के मेटल आर्ट में भी पुरानी चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। क्या वजह है कि नई जनरेशन जो है वो इस तरफ नहीं आ रही? जैसे आप कह रहे थे कि मैं तो सिखाना चाहता हूँ लेकिन सीखने वाला भी हो, तो क्या वजह है कि लोग या फिर हमारे आर्टिस्ट, और वो आर्टिस्ट जो अब आ रहे हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो इस तरफ नहीं हैं? बात यह है कि फिर घूम फिर कर बात वही आ जाती है कि हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, स्टेट इज़ नॉट डूइंग इट्स पार्ट। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। प्रोविंशियल लेवल पे भी मैं तो समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो हमारे सारे प्रोविंसेस जो हैं एक शानदार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं। और देखा जाए मिसाल के तौर पे जैसे हमारी अजरक है, हमारा इंडिगो कलर है अजरक का, ये हमारा कॉटन रोमन एम्पायर में उनके सेनेटर्स हमारी कॉटन पहना करते थे। इजिप्ट की कॉटन, पाकिस्तानी ये सिंध की कॉटन जो है वो पहनी जाती थी। और इंडिगो कलर जो है वो मास्टर किया था हमारे लोगों ने मतलब ये कलर जो है वो था नहीं दुनिया में और किसी के पास। और हमारे जो मुगलिया दौर की जितनी भी हमारी चीजें थी, उनका उठना बैठना, उनका तख्त, उनके सोफे, और उनके पीछे जो वो दो लोग पंखे लेके खड़े होते थे, उनके प्याले, उनकी चाय के जितने भी चैनक होते थे, जो भी उनकी कैटल्स होती थी, हमारा एक विरसा है, एक हेरिटेज है। और आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह का होता था कि एक झूला होता था और बहुत कदीमी झूला होता था, उसमें खवातीन बैठा करती थी। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे विरसे का हिस्सा है, जो कि अब कहीं ना कहीं कुछ मदम हो रही है, लेकिन आप जैसे लोगों ने इसको जिंदा भी रखा हुआ है। तो अच्छा, इस हवाले से मजीद आप क्या कहना चाहेंगे कि डेफिनेटली आप इतना अच्छा काम करते हैं, यू नीड अ टीम, अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे तो क्या आपके जहन में ख्याल है कि आप किस तरह की एकेडमी बनाना चाहेंगे, किस तरीके से फिर आप इसको काम को आगे लेके जाना चाहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि सबसे आसान रूट ये है कि गवर्नमेंट अगर दिलचस्पी ले तो अपनी अपनी फील्ड में जो नुमाया काम करने वाले हैं वो तलाश करके पहले तो बाहर निकाले जाएं। अच्छा, मास्टर्स बाहर निकाले, उन मास्टर्स को ला के आप डिप्यूट करें, दैट दे शुड क्रिएट मास्टर्स। एग्जैक्टली, ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये एक प्रोसेस है और हमेशा से ये जो नुमाया तहजीबें हैं वो इसी रूट को इसी तरीके से चलती हैं। बिल्कुल खलील साहब, आपने सही कहा, इसी तरीके से कि हमारी जो एक क्रीम है उसको निकाल के लाया जाए और फिर उन्हें आगे लोग जो है ट्रेन करने के लिए। आप अगर सिर्फ मेटल के काम को ले लीजिए तो नाजिबाबाद फिरदौस कॉलोनी के पास इनकी पीतल गली है पूरी। हाँ हाँ। और वहाँ ये लोग काम करते चले आ रहे हैं अरसे दराज। अच्छा, अब वो दुकानें खत्म होती जा रही हैं क्योंकि दुकानों की वैल्यू बढ़ गई है, वो जो काम वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं उससे रिटर्न नहीं है। तो वो अच्छे पैसे में दुकान बेच के कुछ और कर रहे हैं जी। तो इसी वो गुमनामी में वो खत्म हो जाएंगे अगर हमने नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर अगर हमने कुछ मेजर्स नहीं लिए, चीजों को सेफ नहीं किया, या तो इन लोगों को और इनके हुनर को अगर हमने नहीं सेफ किया तो ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। बिल्कुल खलील साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस टाइम पे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स हम लोग के पास हैं,
फिर भी हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ काम मौजूद है, जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम क्रीम जमा करके एक दफा उनको आगे काम देने के लिए लोगों को जमा किया जाए, या फिर अपने नए लोगों को ट्रेन करने के लिए उन लोगों को यूज किया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया खलील साहब, बहुत कुछ देखने को मिला आपके काम को एक तो, और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, खासतौर पर किस तरीके से हमारी हिस्ट्री है और कितनी रिच है और हम इसको किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप हमारे शो में तशरीफ लाए। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे खलील नजमी साहब, और उन्होंने यही कहा कि इस तरह के काम को जब तक हम आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पुरानों ने हम तक पहुंचा दिया, अब हमें अपनी आने वाली नस्लों तक इस काम को पहुंचाना है। कदीम जमाने के अंदाज में मॉडल और नक्शो निगार से बने एंटीक क्राफ्ट के नमूने अब इस दौर में नायाब है और अवाम एंटीक अशिया में इतनी दिलचस्पी भी अब नहीं रखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने विरसे को प्रिजर्व करें। लेकिन कराची में कुछ मकामात पर अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुरानी सकाफत को अब भी बरकरार रखे हुए हैं, और गुड मॉर्निंग आज की टीम ने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की है, आइए दिखाते हैं आपको। मेरा नाम शर्जील अली खान है, मेरे को तकरीबन इस काम के अंदर 18 से 20 साल हो गए, और इस काम में पहले जैसी कोई बात नहीं रही है, वो चीज़ नहीं रही काम के अंदर के एक एक हफ्ते का माल हमारे पास आगे स्टॉक पड़ा हुआ होता था कि हमारा सेठ हमारे को दुकानदार हाथ नहीं लगाने देता था कि पहले ये काम पूरा करो उसके बाद दूसरा काम लगाना। बाहर ममालिक के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो लोग आते थे माल खरीदते थे, कंटेनरों के कंटेनर लेके जाते थे, हद तक का ऐसा ही होता था कि कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहा है तो उसने अपने एक दोस्त के लिए एक चीज़ ले ली, दूसरे दोस्त के लिए दूसरी चीज़ ले ली, लेकिन कोई आता ही नहीं है। मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए कि बाहर से कोई आएगा ही नहीं तो ये काम चलेगा कहाँ। मुरादाबादियों का काम है ये, और ये इंडिया के दौर से चला आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर हमने मुरादाबादियों से ही काम सीखा है। इस काम की वैल्यू पाकिस्तान में बनता तो है ही है, लेकिन वैल्यू इसकी पाकिस्तान से हटके हर मुल्क के अंदर, हर टूरिस्ट हर बाहर ममालिक में रहने वाला आदमी इस काम को पसंद करता है और हमारी फनकारी को सलाम करता है, दाद देता है हमें कि होना रहिए। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, मेरे बाबा और अजदाद मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हमारे दादा हमारे वालिद हमारे भाई ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है और एक ज़माने से करते चले आ रहे हैं हम लोग। पहले काम बहुत अच्छा था, अब आकर काम बहुत डाउन हो गया है, और हम लोगों की उजरत है, हम तो उजरत पर काम करते हैं सिर्फ, मार्केट के पीछे पीतल गली वहाँ पर दुकानें हैं इनकी, शॉप्स हैं, वो लोग हमसे बनवाते हैं, उजरत देते हैं हमें, इसकी उजरत बहुत कम है हमारे लिए, तो मैक्सिमम अगर हम 12 घंटे काम करें तो हम मुश्किल से बमुश्किल 800 रुपए की मजदूरी कर पाते हैं। पाकिस्तानियों के पास ये माल बेचने के लिए एक बेस है, वो है चाइना, तो वहाँ से चाइना से माल फिर जब ग्लोबल करता है दूसरे शहरों में दूसरे मुल्कों में। हम इसका कोई ऑटोग्राफ देख के बनाते नहीं, ये तो हमारे जहनों में समाया हुआ है, हमें से आपने या किसी ने कहा यार ये चीज़ बनानी है इसके अंदर, या फला आइटम में आपने ये चीज़ बनाई थी उस अदद में उसकी जगह आप ये बनाई तो हम बना लेते हैं, तो हमारे जहन में होता है ना, माइंडेड काम है ये। अहमियत यूँ ख़त्म होती है कि यहाँ लेबर कम हो रही है, लेबर कम यूँ हो रही है कि उसको बुनियादी तौर पर उसका जो खर्चे हैं अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे, तो लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो कम कर दी है। पहले बहुत बच्चे सीखा करते थे काम, अब ज़ाहिर है उनके माँ बाप भी समझते हैं कि यार क्या मिलता है क्या होता है, हमें नहीं मिलता कुछ उम्र गुजारने के बाद, और अब आगे उन बच्चों के लिए क्या है।
तो चले जी, एंटीक आर्ट के हवाले से बात हो रही है, पुरानी चीज़ों के हवाले से बात हो रही है जो कि नायाब भी होती हैं, प्राइसलेस होती हैं, कीमती होती हैं। और एक और चीज़ मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं कि नजमी साहब ने हमें गिफ्ट किया है, जिसके लिए हम उनको ऑनियर भी कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जैसे लोग अगर मौजूद हों तो डेफिनेटली हमारे इस फन को आगे जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम कह रहे थे कि हमारे पुरानों ने हम तक चीज़ पहुँचाई है और हमें अब आगे पहुँचानी है। ये हम पीतल गली की भी बात कर रहे थे, अभी का पैकेज जो आपने देखा ये पीतल गली के ही लोग हैं जो कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में, तो जरूर जाएं और जरूर खरीदें शो में। यहां वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको एंटी क्राफ्ट शॉपकीपर मोहम्मद जमील से। बनाना और वो भी किस तरीके से मजेदार, देखते हैं रैपिड रेसिपी में। मावरा ने बनाए हैं डिलीशियस से एग रोल्स, और डेफिनेटली शो के बाद मैं ये खाने वाली हूँ। और सभी आपको पसंद आई इनकी रेसिपी? जिस तरीके से रेसिपी बनाई है पसंद आई, लेकिन मुझे मावरा से है ना एक चीज पूछनी है जो मैं बाद में पूछूंगी कि भाई आपने ऑमलेट के साथ ये कुछ समझ नहीं आया ये कॉम्बिनेशन, बट स्टिल खैर हम आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं चूंकि एंटीक क्राफ्ट की, तो जनाब कराची शहर में ऐसे एंटीक और कदीम आर्ट क्राफ्ट की चीजों की नुमाइश का एहतमाम बहुत कम होता है, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर आप जाकर एंटीक से बनी ये एंटीक सी बनी ये चीजें खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली एंटीक तो वहां पर मौजूद नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, कुछ दुकानें तो ऐसी हैं जहां पर ये तमाम चीजें आपको दस्तयाब हैं। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया पीतल गली के हवाले से, तो हमारी टीम ने एक ऐसी ही शॉप के ऑनर से बात की है, आइए इस शॉप के ऑनर से मिलते हैं। मोहम्मद जमील के बात कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जमील है, मैं 30 ईयर से इस फील्ड के अंदर हूँ। एंटीक चीज़ें ये मेरा शॉप्स हैं, ये 30 ईयर से मैं जो करता हूँ यहाँ काम। और ये है कि ये चीज़ें एंटीक चीज़ें जो है ना, ये फॉरनर वगैरह ये पाकिस्तानी कल्चर में इस तरह की बहुत चीज़ें पसंद करते हैं। सारा हैंडीक्राफ्ट है, हैंडमेड का काम है, हाथ का काम है। ये बाहर फॉरनर वगैरह इनकी मेकिंग वगैरह बड़ा पसंद करते हैं ये चीज़ें, और ये हैरान रह जाते हैं कि इतना बारीक काम हैंडमेड से कैसे करते हैं ये चीज़ें वगैरह। ये अपनी सकाफत है कि ये चीज़ें कि यहाँ के कराची में ये किसी और कंट्री में नहीं मिलती है। पहले इन चीज़ों का जो रुझान था नहीं एंटीक चीज़ों का, अभी ज़्यादा ज़्यादा ओल्ड चीज़ों पे वापस आ रहे हैं। अपने घर की सजावट के लिए एंटीक चीज़ें कहते हैं कि 30 ईयर्स 50 ईयर्स के ये हमारे पास एंटीक चीज़ें हैं। पीतल ये यूँ समझ लें, जब से मैंने ये जॉब 30 ईयर्स से मैं कर रहा हूँ, तो ये है कि पीतल का रुझान काम बहुत अच्छा चलता है। ये अपने फोनर वगैरह ज़्यादातर लाइक करते हैं ये चीज़ वगैरह। पहले जो कारीगर थे लेबर थे वो बहुत थे, अब ये कि इस तरफ से काम हटता जा रहा है, इतना ये कि इतना वो इतना काम नहीं है।
अगर हर मोबाइल की अपनी अपनी एक चॉइस है, जैसे चाइनीज आते हैं वो ब्रास की चीज़ों पे बड़ा पसंद करते हैं, वो ब्रास, जैसे रशियन वगैरह हो गए, ये ओनिक्स वगैरह मार्बल की चीज़ों में बड़ा एपिसोड वो पसंद करते हैं ये चीज़ें, और लकड़ी हो गया, लकड़ी तो अपनी ये तुर्की वगैरह ये चीज़ें ये कंट्री वगैरह बड़े पसंद करते हैं ये चीज़ें, पीतल और कॉपर जो चीज़ें एंटिक चीज़ें जो हैं वो हमारे कराची में बन रही हैं। पीतल का काम जो कम होने की वजूहत ये है कि इसमें अब लेबर चार्जिंग बहुत महंगी हो गई है, इसमें कॉस्ट नहीं पड़ रहा है, जो पहले जो आता था उससे 3 गुना ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं, अब इसकी वजह से जरा पीछे हटते जा रहे हैं, ये काम थोड़ा इसी वजह से कम होता जा रहा है, लेबर इनकी जो मेहनत जो है इनकी वो इतनी मिलती नहीं है इनको, तो इस वजह से काम थोड़ा कम होता जा रहा है। सिंपली ब्यूटिफुल, इतना खूबसूरत काम हो रहा है और ये कराची में हो रहा है तो तमाम लोगों को खास तौर पर देखना चाहिए, वो जो एंटीक को पसंद करते हैं। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पसंद करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में इस तरह की चीज़ें हों, जो मुझे नज़र आई ना वो बड़ी बड़ी तलवारें और इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल तो नहीं होती हैं, लेकिन शोपीस के तौर पर ज़रूर उनको रखा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ जो सब हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि अगर ये आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर के जो अफराद हैं या फिर फैमिली का जो ज़ौक है वो भी इस तरीके से पता चलता है लोगों को जो आपके घर में आए। जी हाँ बिल्कुल, ड्राइंग रूम में तो हमारे बहुत ज्यादा एंटीक चीजें नहीं है, लेकिन हाँ मेरी ज्वेलरी में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आएंगी, क्योंकि मैं मॉल्स में जाती हूँ तो मैं वो मुझे कहते हैं जी ये काफी एंटीक है, काफी पुराना है, काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं कहती हूँ ठीक है मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये एंटीक है, हमारा विरसा है और पहनते वक्त भी बड़ा अच्छा लगता है। खैर, गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।